गाजियाबाद में यूं तो आए दिन एनकाउंटर होता है, लेकिन फिर भी बदमाश इतने बेखौफ हैं कि दिन दिहाड़े वारदात करके फरार हो जाते हैं और महीना भर बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। यह हैरान कर देने वाली रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद की तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। एक शख्स भरे बाजार में दूसरे शख्स पर चाकू से हमला करता है। एक दो तीन सामान्य सी कदकाठी वाला शख्स लेकर लंबे चौड़े शख्स पर एक के बाद एक तीन बार वार करता है। सड़क पर मौजूद एक बच्चा भी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन हमलावर के सिर पर तो जैसे खून सवार था। वह किसी की परवाह किए बिना चाकू से वार पर वार किए जा रहा था। आसपास के लोग या तो तमाशबीन बने रहे या फिर वीडियो बनाते रहे, लेकिन उस शख्स को किसी ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। आखिरकार उस घायल शख्स ने ही किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उसको 1000 रुपए दे दिए। 1000 रुपए देने के बाद में मेरी जेब मेरा फोन आ गया एक, मैं अपना फोन सुनने लगा और वो फोन छीनने लगा। मगर फोन क्यों छीन रहा भाई? फोन छीनने लगा मतलब देखो पैसे रख ले, फोन दे। मैं जब 5 दिन पहले 23,000 रुपये का फोन लेकर आया था और उसकी मेरी मैं अपना मतलब फोन बचाने के लिए जेब में उससे छीन के जेब में रखने लगा। अब मैंने जैसे जेब में को हाथ चलाया, उसने छुरी निकाल के मेरे पहले एक पेट में मारी, एक यहाँ जांग में मारी और एक यहाँ कंधे में, तीन जगह छुरी मारी। ये वीडियो जनवरी का है, जब आजाद मलिक नाम के शख्स पर आरिफ भिंडी नाम के गुंडे ने सरेआम हमला कर दिया। चाकू से हमला करने से पहले दोनों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। ये पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। आरोपी का भाई इलाके का नामी गैंगस्टर बताया जा रहा है। माह के अंत में एक घटना हुई थी, वहाँ पे थाना टीला मोड़ क्षेत्र अंतर्गत पसौंडा एरिया है, वहाँ पे एक घटना हुई थी इस तरह से चाकू मारने की, जिसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और जो व्यक्ति है वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हम पकड़ के उसको जेल भेजेंगे। इस मामले में जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है, शीघ्र इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये वारदात जनवरी की है, लेकिन अब तक आरोपी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इलाज के बाद घर पर लौटा पीड़ित शख्स अब भी खौफ के साए में जीने को मजबूर है।